हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू आर्ट टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि हमारी फोटोशॉप की बिगनर्स क्लासेस चल रही हैं, तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियोस में जो है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का यूज सीखा था, अडोब फोटोशॉप में हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल्स को कैसे यूज करते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलिप्टिकल मार्कर टूल्स का यूज, इसको हम फोटोशॉप में कैसे यूज करते हैं, इसका क्या यूजेज है। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज का ये ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आने वाला है। अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं तो आपको एलिप्टिकल मार्कर टूल समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, जैसे कि यहाँ पर मैंने और भी पिक्चर वगैरह इंसर्ट की है। अगर आप इस किस्म की पिक्चर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है unsplash.com वेबसाइट का नेम है, आप वहां से जो है सिंपली जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो इसके लिए हम सबसे पहले एलिप्टिकल मार्कर टूल्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी पिक्चर का साइज जो है यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस प्रेस करके आप पिक्चर का साइज जो है जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो कंट्रोल माइनस करके आप फिर से जो है जूम इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जूम करके देखिए, तो हम जो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर इसको जो है सिलेक्ट कीजिए, इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कीजिए और आप शिफ्ट को भी प्रेस करके इसको यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ तक कर लेते हैं और इस साइड से हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप धीरे धीरे जो है सेट हो जाएंगे। तो इसको इसकी सिलेक्शन करने के बाद आप इसको ड्रैग करके, अब हमने इसको जो है ड्रैग करके दूसरी लेयर पे यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आप जो है एलिप्टिकल मार्कर टूल्स को ही सिलेक्ट कीजिए रखिएगा और इसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके सीधा जो है हम ड्रैग करके यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, माउस का यूज करते हुए ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका थोड़ा सा साइज जो है हम जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर लेते हैं कुछ इस तरह की, आप शिफ्ट को होल्ड करके भी ये वाला काम कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से मूव टूल को लीजिए, यहाँ से अप्लाई कर दीजिए और यहाँ से इसको फिर से अपनी पहली वाली पोजिशन पे आप लेके जाइए। यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर देते हैं, ड्रैग करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन आ चुका है, तो इसको आप कंट्रोल टी प्रेस कीजिए, कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसकी सिलेक्शन इस तरह कीजिए। तो यहाँ से कुछ इस तरह इसकी सिलेक्शन कीजिए, यहाँ पर इंसर्ट करने के बाद यहाँ से इसका जो मोड है वो आप चेंज कर लीजिए, यहाँ से आप नॉर्मल के ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ से आप नॉर्मल के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से इसका मोड जो है यहाँ से ओवरले कर लीजिए और यहाँ से इसको ओके कर लीजिए। जैसे ही हमने यहाँ पर ओवरले किया, तो यहाँ पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। ओवरले करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी ओरिजिनलिटी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसका जूम इन करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गजब किस्म की हमारी पिक्चर जो है इंसर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एलिप्टिकल मार्कर टूल्स का यूज आपको समझ गया आ गया होगा कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया फंक्शन है अडोब फोटोशॉप में, आप इसको जरूर चेक करके देखिएगा। अगरचे आपको आज की फोटोशॉप की वीडियो जो है छोटा सा ट्यूटोरियल हमारा जो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।